उमर अब्दुल्ला और साथ साथ डिप्टी सीएम सुरिंदर चौधरी भी आपको क्रिमिनेशन ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। देखिए, बहुत सालों पुराना रिश्ता देवेंद्र सिंह राणा और उमर अब्दुल्ला की जिस तरह से बात करते हैं, वो दोनों एक ही पॉलिटिकल पार्टी में थे लेकिन एक अच्छे मित्र भी थे। एक दूसरे के अच्छे बुरे वक्त में दोनों एक दूसरे के साथ नज़र आते थे। चाहे देवेंद्र सिंह राणा ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया, लेकिन जो दिलों में प्यार और मोहब्बत थी वो आज भी कायम है, ये आपको क्रिमिनेशन ग्राउंड से देखने को मिल रहा है। साफ तौर पर आपको बता दें कि कल शाम जो है वो देवेंद्र सिंह राणा का देहांत हुआ, लेकिन उमर अब्दुल्ला ने जैसे ही ये खबर सुनी, उन्होंने अपनी पोस्ट पर उनके साथ 2009 की पोस्ट जो है वो शेयर की। इसके साथ साथ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि वो एक नेक इंसान और बड़े दिल वाला अच्छा इंसान था। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि देखिए, जम्मू कश्मीर की आवाज़ उठाने वाला और ख़ास कर जम्मू की आवाज़ देवेंद्र सिंह राणा जो है, ये एक बहुत बड़ा लॉस है और इसकी भरपाई जो है वो कभी नहीं हो सकती। उमर अब्दुल्ला की भी बात करते हैं, उमर अब्दुल्ला जो है वो उनके घर पर भी गए, उनके परिवार से मिले, लेकिन अब आपको यहाँ पर क्रिमेशन ग्राउंड में दिखाई दे रहे हैं। उमर अब्दुल्ला की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा बिजी शेड्यूल है, हाल ही में मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है, लेकिन कहते हैं ना कि जब कोई दिल का करीबी जो है वो अलविदा कहता है तब चोट जो है वो दिल पर लगती है। कहीं ना कहीं आज उमर अब्दुल्ला ने किसी से कोई बात नहीं की, मीडिया से को कोई बाइट नहीं दी, मीडिया से कोई इंटरेक्शन नहीं किया। उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर आज साफ नज़र आ रहा था कि इसका दुख जो है उन्हें बहुत ज़्यादा है, जिसे वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते। हालांकि अगर देवेंद्र सिंह राणा और उमर अब्दुल्ला की बात कहें, ये कोई पहली बार नहीं है कि उमर अब्दुल्ला जो है वो देवेंद्र सिंह राणा के घर गए हों, उनके साथ खड़े हों। ऐसे बहुत से वक्त आए और नेशनल कॉन्फ्रेंस में ऐसे बहुत से वक्त आए। बेशक देवेंद्र सिंह राणा ने जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस को अलविदा कह दिया, लेकिन हर कोई ये जानता था कि ये रिश्ता जो है वो बहुत मजबूत है और ये रिश्ता अटूट है। कहीं ना कहीं आज देखने को मिला जब तमाम भारतीय जनता पार्टी के लीडर के साथ साथ उमर अब्दुल्ला जो है उनके घर पहुंचे, उनके लिए क्रिमिनेशन ग्राउंड में पहुंचे। और देखिए, उमर अब्दुल्ला जो है अभी वो खामोश खड़े हैं, किसी से कोई बात नहीं, किसी से कोई बोलचाल नहीं। जब कोई अपना करीबी जो है वो छोड़कर जाता है तो समझने में वक्त लगता है कि ये क्या हो रहा है। कल जब देर रात उनके निधन के बारे में सुना, जब सोशल मीडिया पर पोस्ट आई, तब हर किसी को लग रहा था कि नहीं, ये कहीं फेक तो नहीं, क्योंकि सोशल मीडिया के ज़माने में बहुत ज़्यादा फेक खबरें भी चलती हैं। लेकिन जब डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने जो है वो ट्वीट किया, वो उनके भाई हैं, तब सबको कन्फर्म हो गया कि खबर जो है वो सच्ची है। लेकिन अब अब्दुल्ला की बात करते हैं, अब वो आपको यहाँ से जाते हुए नज़र आएंगे। एक असली जम्मू का हीरा खो दिया, ये साफ तौर पर नज़र आता है उमर अब्दुल्ला के चेहरे पर भी। और आज तमाम लोग जो है वो देवेंद्र सिंह राणा के घर पर थे। ये शख्स दोबारा नहीं मिलेगा, ये आवाज़ दोबारा नहीं गूंजेगी, और ऐसा हीरा भी दोबारा नहीं मिलेगा, और इसकी भरपाई भी नहीं हो पाएगी। आज जम्मू ने एक अनमोल हीरा खो दिया, जो हमेशा से गरीबों के लिए मसीहा बनकर सामने नज़र आता था, हर किसी का काम किया। और आज सोचिए, उन लोगों की दुआएं हैं कि दुआओं ने जो है शिरकत की है, आज लोग उन्हें देखने के लिए आखिरी रसूमात उनके पूरे हो रहे हैं, और तमाम मिनिस्टर के साथ साथ सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं और लोकल लोग भी यहाँ पर शामिल हैं। लेकिन एक अनमोल हीरा और अनमोल लीडर जो है आज इस दुनिया से अलविदा कहते हुए चला गया।